Hi guys, I'm Aparna. And I'm Krishna. And you're watching us only on FIFA Foos TV. अक्सर जिंदगी में लोगों के पास एक इंसान का प्यार नहीं होता, हमारे पास पूरी दुनिया का प्यार है। ऐसा लगता है कि हर दिन सुबह उठ के भगवान को थैंक यू करने का मन करता है, हर दिन सोने से पहले भगवान को थैंक यू करने का मन करता है। ऐसा लगता, समझ में नहीं आता है कि हमने ऐसा क्या अच्छा किया है जो हम इतनी अच्छी जगह पे, इतने प्यारी जगह पे हैं जहाँ पे इतना प्यार मिलता है लोगों से। अक्सर जिंदगी में लोगों के पास एक इंसान का प्यार नहीं होता, हमारे पास पूरी दुनिया का प्यार है। और हम बहुत लकी महसूस करते हैं, ट्रस्ट मी गाइस, हमें पता है, हमें बहुत किस्मत वाला महसूस होता है। और हमें लगता है कि अगर हम जितना प्यार आप हमें करते हैं उसका अगर हम 50% भी आपको वापस दे सके तो हम ज़रूर देंगे। और थैंक यू। मैं तो सिर्फ थैंक यू बोलना चाहती हूँ, बिकॉज शो को तो बहुत ही प्यार मिल रहा है, बट शाहाना को भी बहुत 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 प्यार करते हैं सब लोग। हर जगह जहाँ मैं जाती हूँ शाहाना देख के एक्साइटेड हो जाते हैं, मुझे ट्रीट ऐसे करते जैसे मैं बिल्कुल उनकी एज की हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच एंड थैंक यू। आपकी ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग तो हम देखते ही रहते हैं, मतलब जो हरकतें चलती ही रहती है, बट ऑफ स्क्रीन भी इतनी मस्ती होती है, सोशल मीडिया पर हम देखते रहते हैं, मतलब मुग्धा कह लो, आप कह लो, क्या कहेंगे, मतलब कितना मजा आता है स्क्रीन, मतलब और एक्चुअली कह सकते हैं ना कि ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग इतनी अच्छी तभी वो ऑन स्क्रीन भी चीजें अच्छी दिखाई देती, क्या कहेंगे दोनों? बहुत सही कह रहे हो आप, बिल्कुल ऐसा होता है। हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्ड जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा है ऑन स्क्रीन से, स्पेशली शाहाना और रणबीर का, कि हम लोग द थिंग इज कि वी आर ऑफ द सेम एज ग्रुप ऑल्सो। तो हम दोनों एक ऐसे सेट पे लोग हैं जिनकी उम्र बिल्कुल सिमिलर है, तो हमारी जो वाइब है वो भी बहुत सेम है और हमारा नेचर भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है। मुझे लगता है कि ये भी शायद वैसी चीज़ें पसंद करती है जैसी मैं करता हूँ, तो इसीलिए हमारी बॉन्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है और काफी अच्छा होता है। ऐसा लगता है कि स्कूल के दोस्त मिल गए हैं, तो हमारी बॉन्डिंग थोड़ी ऐसी नहीं लगता कि हम बॉम्बे में आकर मिले हैं, ऐसा लगता है कि हम स्कूल फ्रेंड्स हैं और हमारी स्कूल लाइफ से लेकर हम बहुत सारी चीजें सेम है। और बिल्कुल, मतलब जब हम काम कर रहे होते हैं हमें बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म महसूस नहीं होता एक दूसरे के साथ। मुझे अभी भी हम सीन करते हुए हंस रहे थे बहुत, अभी भी हमारा एक सीन था जिसमें हम दोनों साथ में थे और बहुत हंसी आ रही थी हमें, क्योंकि हम को-एक्टर से ज्यादा गहरे दोस्त बन चुके हैं और अच्छे दोस्त बनना जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। तो आई थिंक वो एंड बेस्ट पार्ट की जो मेरे दिमाग में चल रहा होता है ना, ये मेरे वॉइस ओवर पड़ता है। मतलब हम सीन कर रहे थे, मुझे सीन में हंसी आ रही थी और हंसी क्यों आ रही थी इसको पता था। हाँ, रियल लाइफ में भी हम एक दूसरे के वॉइस ओवर जो है पढ़ पाते हैं, दूसरे खड़े होकर मैं पता होता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि हम बंगाल से भी हैं, हम रसगुल्ला भी खाते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या चल रहा है शो के ट्रैक को लेकर, क्या कहेंगे, इतनी एक्साइटमेंट हो गई है फैंस में कि भाई क्या होगा, रणबीर और प्राची कैसे मिलेंगे, मतलब इतनी अड़चने हैं, क्या कहेंगे, मतलब शो के ट्रैक को लेकर कब तक मिलन होगा यार? वो तो मैं भी इंतजार ही कर रहा हूँ यार मिलन का, सही बताओ तो। आई एम ऑल्सो एंटायरली वेटिंग कि कब मैं प्राची के साथ मिलूँ और तेरी मेरी जिंदगी ठीक हो जाए। बट जैसे कहते हैं ना कि ECG में हार्ट बीट होती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो अगर वो स्ट्रेट रहेगी तो मतलब इसका मतलब आदमी नहीं है, अगर ऊपर नीचे रहेगी तो मतलब आदमी की सांसें चल रही हैं और जिंदगी चल रही है। वैसे ही हमारे शो में ऊपर नीचे जब तक नहीं होगा तो हमारा शो, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ेगी। तो इसीलिए इसी तरीके से हमेशा अप्स एंड डाउन होने चाहिए। और क्या जवाब दिया है, नाइस कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बनते हैं। एक्चुअली हाँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है। हाँ, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है गाइस, मैं बहुत ही अच्छे लोगों के बीच में रहता हूँ, जैसे मैं मी माइसेल्फ। मुझे लगा बोलेगा कि ले लेना, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच FIFA Foos TV, पहले तो FIFA Foos TV, if I got that right. Thank you so much for being interested in us and
सारे फैंस जो भी ये देख रहे हैं और जो ये देखेंगे और जो कुमकुम भाग्य देखते हैं और जो नहीं भी देखते हैं जनरली लोग, गाइज 2021 आ गया, एक नया साल है हम सब के लिए, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जिंदगी में वो हासिल कर मकाम हासिल करें जो हासिल करना आप चाहते थे, और नए नए मकाम बनाएं। जैसे हर साल हम एक नया मकाम बनाते हैं उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप वैसे ही बनाएं और आगे बढ़ें, और भगवान करे ये साल आपका बहुत अच्छा हो। जैसे अप डाउन होता है वैसे अप ज़्यादा हो, डाउन थोड़े कम हो, और ज़िंदगी में आप इस साल और वैसे भी बहुत खुश रहें। हम आपको खुश करते रहेंगे और खुशियाँ बांटते रहेंगे, और आप ऐसे ही हमें प्यार करते रहें। वी लव यू फ्रॉम आवर हार्ट। थैंक यू सो मच।